my channel. This side Devapriya, and you're watching the Style Giri. I make fashion, beauty, lifestyle vlogs, and many more. In today's video, I'm gonna be sharing my Christmas and New Year friendly makeup look. इट्स नॉट मैंडेटरी कि क्रिसमस में आपको रेड एंड व्हाइट ही पहनना है. आप कोई भी कलर ट्राई कर सकते हो. जस्ट लाइक टुडे आई एम वेयरिंग दिस वायलेट गाउन. माय लास्ट ईयर क्रिसमस एंड न्यू ईयर मेकअप वाज विद अ रेड टॉप. दिस ईयर आई थॉट व्हाई कांट आई ट्राई विद सम अदर कलर एज वेल. एंड आफ्टर द मेकअप लुक आई एम गोना शेयर एन अमेजिंग डिलीशियस क्रिसमस प्लम केक रेसिपी विद यू. सो डोंट मिस दैट पार्ट. So let's get started with today's video. So guys, at first I'm gonna hydrate my face with L'Oreal Paris Revitalip Crystal Micro Essence. ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी फेस को हाइड्रेट कर देता है एंड थोड़ा सा मॉइस्चराइज भी करता है. देन फॉर फेशियल ऑयल आई एम यूजिंग बायो ऑर्गेनिक स्किन केयर ऑयल. ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है स्पेशली फॉर विंटर. For foundation, I am using L'Oreal Paris True Match Super Blendable Foundation. इसका एक ही पंप काफी होती है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे मीडियम कवरेज दे देती है. बट इसका फिनिश बहुत ही अच्छी है जस्ट लाइक माई सेकेंड स्किन. एंड आई एम इन द शेड गोल्डन बेज एंड आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट विद अ ब्लेंडिंग ब्रश. आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर आप अपने फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो क्योंकि ये है सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन. आप देख सकते हो एकदम चुटकी में ब्लेंड हो जाता है. नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग कंसीलर. कंसीलर इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड 02 सेंसिबल. एज यू कैन सी आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. फिंगर्स से ही जो वर्म्थ प्रोवाइड होती है हमारी स्किन में वो उससे ही काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है ये कंसीलर एंड ये वाली फाउंडेशन भी. सो अगर आप जल्दी जल्दी में रेडी होते हो इसके लिए ये पेयर बहुत ही अच्छा लगेगा, ये फाउंडेशन एंड इसके साथ ये वाली कंसीलर. नेक्स्ट आई एम जस्ट सेटिंग ऑन टॉप ऑफ द कंसीलर बिकॉज कंसीलर क्रीज होने की थोड़ी सी चांसेस रहती है. दैट्स वाई ज्यादा आपको पाउडर नहीं बनाना है अपनी फेस को. ऑफकोर्स विंटर चल रहा है. नाउ आई एम टेकिंग अ ब्यूटिफुल वायलेट शेड फॉर माई ट्रांजिशन एरिया और क्रीज एरिया. आप कह सकते हो बहुत ही ईजी सा आई मेकअप मैं करूंगी और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है. नेक्स्ट आई एम टेकिंग मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट एंड उसमें से मैं शैम्पेन कलर को पिक करूंगी. I'm just patting it with my finger. I'm focusing from inner corner to mid eyelid and then I have taken a fluffy blending brush. I'm just blending it and after that I'm patting little bit black color to intensify the outer V. So that's it guys. After that and wing liner obviously. All the product will be listed in the description box. Now I am using Kajal. This is from Faces Canada Magnetized Kajal. And now I am taking a beautiful magenta and maroonish shade. And with these colors, I am just merging the Kajal. In this way, I am intensifying my lower waterline. And voila, we are done. For mascara, I am using Maybelline Volume Express Mascara. To fill my eyebrows, I am using Maybelline Fashion Brow Eyebrow Pencil in the shade Dark Brown and I am just filling the gaps. Do it properly but do not overdo it because we aren't doing any bridal makeup, we are doing just party makeup. Now I am highlighting my inner corner. I am using Wet n Wild highlighter in the shade Precious Petals and we are done with our eyes. As you can see, this is so easy and saath-saath classy, elegant and perfect for winter and party. So now I am using the Makeup Revolution palette and usme se main blush and contour shade ko apply kar lungi. And this palette got so beautiful blush, you guys. As you can see, this is so subtle, soft, bilkul bhi over nahi lagta hai. And I am in love with the contour shade that it has got. Oh my god, this is so soft, subtle. It blends like butter. Sahi mein guys, Makeup Revolution is Makeup Revolution. Beautiful. परफेक्टली ब्रॉन्ज्ड आपको एक फेस मिलता है जो कि एकदम फीचर्स अच्छे से समझ आता है. फेस बिल्कुल भी फ्लैट नहीं लगता है एंड आपने ब्रॉन्जअप कॉन्टोर ये सब किया हुआ है ऐसा नहीं लगता है. लाइक योर सेकेंड स्किन इतना अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है एज यू कैन सी. नाउ आई एम टेकिंग हाईलाइटिंग शेड फ्रॉम द सेम पैलेट मेकअप रेवोल्यूशन की रैचल लेरी पैलेट है ये. बहुत ही अच्छी इसकी हाईलाइटिंग शेड भी काफी सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल है, बिल्कुल भी चौकी नहीं है. आप जरूर इस पैलेट को चेक कर सकते हो.
So we are done with our face. Now it's time for the lipstick. I am using I Amsterdam Brown Amour shade. This is perfect for winter. Now I am setting my makeup with Glam 21 makeup setting spray. And as you can see, I am absolutely ready. None of what I see is true, so I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh, why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. So guys, makeup look हमारा complete हो चुका है and अभी चलते हैं केक की रेसिपी में, which is Christmas and New Year special orange flavor plum cake. So guys, at first I'm gonna soak the fruits in orange juice. So I have taken tutti frutti, some dates. Then I have roasted some almonds, cashew, peanuts and उसके बाद मैंने chop कर लिया. आप अपने केक के साइज के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी चूज कीजिए. देन मैंने ले लिया है कुछ रेजिन्स. And this is the main ingredient, that is orange juice. And now I'm gonna soak all the chopped dry fruits in the orange juice. And I'm gonna refrigerate it for 24 hours. आपको deep freeze नहीं करना है, normal freeze में रखना है 24 hours तक. आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हो. And अगर आपके पास rum है या फिर wine है तो वो भी use कर सकते हो instead of orange juice. So friends, it's been 24 hours now and I have arranged all the ingredients that I need now. So these are baking powder, 2-3 tablespoon of oil, bake karne ke liye katori, 1 cup of hot milk, the dry fruits, maida, crushed sugar, suji, cocoa powder and this is baking soda. Baking soda agar aapke paas nahi hai then Eno le sakte ho. And this is butterscotch syrup. Ye Mapro Garden ka butterscotch syrup hai. This is yummy guys. Aap bhi try kar sakte ho. Bahut hi achhi bana deti hai cake ki taste ko. Anyway, now we are gonna start our recipe. Decor for Christmas 2020. As you can see on top of my working area or study table. As you can see guys, cake is absolutely ready. So Merry Christmas to all of you. That's all for today guys. I will meet you in my next video. Once again, Merry Christmas to all of you and Happy New Year in advance. If you enjoyed my video, then give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. See you soon guys. Stay happy, stay blessed. Bye guys.